डियर इस्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर हरीश गौतम एसोशिएट प्रोफेसर इन जोलॉजी आई एम टेकिंग पार्ट ऑफ जोलॉजी ऑफ बी एस सी पार्ट थर्ड सो पेपर थर्ड दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी द प्रैक्टिकल पार्ट उसको भी हमें देखना है क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी होंगे आपके तो प्रैक्टिकल पार्ट में जो एज़ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड का जो है ये जो आप देख रहे हैं ये ये मतलब जो है इसके अंदर आपके जैसे पहले भी देखते हैं स्टडी ऑफ म्यूज़ियम स्पेसिमेन चार्ट पर पैराग्राफ वगैरह उसके अंदर पर जो भी हैं ये सारे के सारे कॉर्डेट्स के आते हैं फिर परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन है जिनके अंदर वर्टिकल जो भी है वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्किन इस स्पाइनल कॉर्ड ये सारे के सारे जो आते हैं ये सारे के सारे फिर डाइसेक्शन क्योंकि अब हो नहीं रहे तो उसको डाइसेक्शन को जो है थ्रू चार्ट मॉडल्स फोटोग्राफ या सी के थ्रू आपको समझना है फिर जो है परमानेंट माउंटिंग जिसके अंदर आपको जो फिशेज हैं उनकी साइक्लॉइड या प्लेकोइड स्केल्स की या स्ट्रेटेड मसल्स इन फ्रॉग या फिलोपियोम या ब्लड फिल्म तैयार करनी होती है ऑस्टियोलॉजी में जो है कंपेरेटिव पार्ट है आर्टिकुलेटेड जो भी हैं ऑरिजन आर्टिफिशल बोन्स ऑफ फ्रॉग वेरनास फाउल्स एंड रेबिट ताकि ये कंपेरेटिव एम्फीबियंस एवीज और मेवल्स इनके अंदर वो आप कंपेयर कर सकें सो आई एम टेकिंग द पार्ट पेपर थर्ड सो दैट इज दिस इज़ डिवलपमेंटल बायोलॉजी पोर्शन तो डिवलपमेंटल बायोलॉजी पोर्शन के अंदर जो है हम बेसिकली जो है स्टडी ऑफ डिवलपमेंट ऑफ चिक कर रहे हैं यानी चिक का डवलपमेंट कैसे हो रहा है उसके बारे में तो उसके अंदर पहले हम उसका जो भी है जो स्लाइड्स बनी हुई हैं उनका होल माउंट यानी पूरा जो एक जो होता है वो पूरा किस तरीके से वो डेवलप हो रहा है तो ऐसे होल माउंट उसके हमें डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो कितने घंटे का अट्ठारह से लेके कर बहत्तर घंटे तक का चेक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट को हमें देखना है एग उसका एम्ब्रियो के अंदर फिर उसके अंदर हिस्टोलॉजिकल यानी जो सेलुलर डिटेल्स जो डेवलपमेंट ऑफ फ्रोग या टोड जो है उसके अंदर देखना है उसके अंदर उसका एग या अर्ली क्लीवेज जो हम सब पढ़ चुके हैं पहले स्टेज ब्लैस्टोलाइस्टिज स्टेज न्यूरोला या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टैटपोल जो अर्ली अर्ली लिबर्ड जो जो लिम्बर्ट्स जो बनती हैं या जो फोर लिम और हाइंड लिम जो बनते हैं वहाँ तक की बात इसके बाद जो है स्टडी ऑफ ऊजेनेसिस फर्टिलाइजेशन एंड मेटामोफोसिस जो है वो कैसे जो टैटपोल से वापस से उसके अंदर कन्वर्ट होता है तो ये भी हम सारा थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पर मेटोजेनासिस फर्टिलाइजेशन मेटामॉरफोसिस जो है अभी हमारा रह रहा है वो थोड़ा सा हम लास्ट जो यूनिट है उसके अंदर उसको पढ़ेंगे और फिर फिजियोलॉजी है उसके अंदर जो कैटालास और टाइलिन एंजाइम की एक्टिविटी है हीमोग्रिट वैल्यू है आर बी सी काउंट है डब्ल्यू बी सी काउंट है हीमोग्लोबिन परसेंटेज है तो दिस आर दिस इज द प्रैक्टिकल पोर्शन जो है आपका थर्ड ईयर के अंदर है उसके अंदर फिर ये मेज़र माइनर इनका डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम जो आज जो बात करने वाले हैं पूरी की पूरी वो सारी की सारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला पोर्शन जो है उसकी बात करेंगे ठीक है तो यहाँ से हम बात करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो पोर्शन है ये तो हम यहां से हम बात करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा तो सबसे पहले मैं आपको यहां से समझाना चालू करूं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर जो आपको चिक एम्ब्रियोलॉजी का जो बात करनी है उसके अंदर हम चिक के एम्ब्रियो को या चिक अंडे को ही क्यों हमने सबसे पहले इसको लिया तो बेस्ट कारण जो है एम्ब्रियोजेनेसिस किसी भी चीज़ का पढ़ने के लिए इसके दो तीन कारण है। फर्स्ट द जो है इसका हम जो बात करें ये जो है कन्वीनियंट साइज में है इन साइज जो एक की वो है वो ये है इट इज इजी टू प्रोक्योर है हम इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसके अंदर सारी की सारी जितनी भी जो अर्लियर स्टेजेस आर सिमिलर टू दोज ऑफ रेप्टाइल्स या मैमल्स या इवन मैल की हैं तो वो हम सारी स्टेजेस को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं इसके अलावा मैं जो पॉइंट्स में बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर डिफरेंट डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं जो स्टेजेस हैं वो लैब कंडीशंस के अंदर लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर हम सारे मतलब एक्सपेरिमेंटल पर्पस से उसको समझ सकते हैं इन सबके अलावा जो एक और मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि इसके अंदर इसकी फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस है ये जो हम कहना चाह रहे हैं इसकी फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस uh, है ये हम जो बात करें कि एम का चिक जो है वो ड्राइनेस में नहीं होता क्योंकि पूरी तरीके से जो है ये वॉटरी एनवेलप जो है पूरे एलमिन से घिरा हुआ है यदि हम यूँ बात करते हैं इसके अंदर एग है तो यहाँ पर वो बहुत लंबे टाइम तक इसको हम रेस्पेटरी और सारी डिटेल्स को हम समझ सकते हैं इसके अंदर इन सारी कंडीशंस के अंदर इसके अंदर जो है फीटल मेमरिन जो है कॉरियोन एमियोन यूक्सेक और एलेंटॉइस ये हमने पहले भी बात करी थी अंदर जो सारी अलग अलग लेयर जो बनती हैं तो वो ये है तो मैं यहाँ पर आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम समझें एक का वो देखने की कोशिश करते हैं पहले और फिर मैं आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स उसके अंदर जो हमें एक्सपर सिलेबस जो हम बात करेंगे वो समझाऊंगा तो यहाँ पर आपको पहले एक का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ मैं ये पूरा जैसे एग जो है एक तरफ से ब्लंट एंड होता है एक शार्प एंड होता है ये समझ में ये शार्प एंड है और ये जो है ब्लंट एंड है यहाँ पे इसके अंदर एक ये जो है एयर सैक या एयर स्पेस कई जगह जैसा भी कह रखा है एयर स्पेस या सैक तो और ये इसके अंदर पूरा एम्ब्रियो अंदर की तरफ लेयर के अंदर बाहर की तरफ वाला तो जो समझ में आ गया अब शेल है ये तो शेल है यहाँ पर जो इसके अंदर जो हम देख रहे हैं ये पूरा जो है एग वाला पोर्शन है ये जो होल्ड किया हुआ होता है वो इस तरीक़े से चला जा से होल्ड होता है और पूरा ये जो इतना भी पार्ट है ये चला जा कहलाता है जिससे होल्ड कर किया होता है तो ये यहां पर ये जितना भी ये क्रीसेंटिक फॉर्म के अंदर जो होता है तो यहां येलो और व्हाइट जो है ये इशारा योक है ठीक है ये येलो एंड वाइट तो और ये पूरा पोर्शन जो है हम यहां जो बात कर रहे हैं दिस इज एल्मोमिन <coughs> जो पेरीफरी पे होता है वो थिक एलमिन है जो यहाँ पेरीफरी पे जो होगा और बीच वाला जो, जो मिडिल पोर्शन है वो है दिस इज एलमिन तो दिस इज ऑल अबाउट जो आपके समझ में आ गया तो ये वाली शेल मेम्ब्रेन हो गई ये शेल हो गया ये थिक और थिन एलमिन हो गया इसके अंदर तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर इस होता है और यहां पर इस जगह पे इसके अंदर डिस्क फॉर्म के अंदर जो है यहाँ पर इसको हम यूँ बात करें ब्लास्टो डिस्क फॉर्म के अंदर यहां पर जो भी है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो फिर धीरे धीरे इस तरीके से डेवलपमेंट होता चला जाता है तो यहां तक आपके बात समझ में आ गई अब हम इसको कुछ डायग्राम क्योंकि यहां तक जो एक्ट की हम जो बात कर रहे थे और कलर फोटोग्राफ्स हैं तो हम डिफरेंट स्टेजेस की यदि हम जो इसकी बात करने की कोशिश करें जो इसकी स्टेजेस हैं ये है इसकी ट्वेंटी फाइव एक्स पे बनाया हुआ है ये मतलब मैग्निफिकेशन तो यहां पर इसमें आप डायग्राम के अंदर जो देख पा रहे होंगे दिस इज द ओरिजिनल फोटोग्राफ दिस इज ओरिजिनल फोटोग्राफ ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है ये उसका लाइन डायग्राम है ठीक है ये दिस इज लाइन डायग्राम और दिस इज ओरिजिनल फोटोग्राफ तो इसके अंदर ब्लास्टोडर्म हेड प्रोसेस जो इसका मैग्निफिकेशन है ये ट्वेंटी फाइव एक्स है और इसका ब्लास्टोडर्म इसके अंदर हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके अंदर हैंसन्स नोड बनना चालू होता है और फिर यहाँ पर ये पीछे की तरफ यहाँ पर जो देख रहे हैं <coughs> सॉरी प्रीमेटिव हिस्ट्री और ये फिर यहाँ पे पूरा जो ये डिस्क फॉर्म के अंदर जब हमने बात करी थी ये मैं यहाँ डायग्राम से बताऊँ कि यहाँ इसके अंदर जो डिस्क होता है वहाँ पर इस तरीके से होता है तो ये डिस्क फॉर्म के अंदर होता है और इसके अंदर ये सारा जो कुछ डार्क वाला एरिया है वो एरिया ओपे का मतलब तो जिससे कुछ नहीं देखा जा सके पेलोसिडा कुछ थिन होता है दैट इज़ एरिया पैलोसिडा ये वाला रीजन जो है और यहाँ तक ये सारा एरिया पैलोसिडा और दिस इज यहाँ पे जो ये चीज है यहाँ पे फोल्ड हेड के बनने स्टार्ट होंगे तो दिस इज जो हम बात कर रहे हैं कि इनिशियल स्टेज जब कुछ इसका बनना चालू होता है तब की हम बात कर रहे हैं तो इसका दूसरे हम उससे यदि बात करें यहाँ पे तो इसको मैं एक और डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक और जो ट्वेंटी फोर वन आवर स्टीज जो है उसके अंदर आप देखेंगे ये प्रीमेटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ दिस इज़ प्रीमेटिव स्ट्रीक एंड ग्रू यहाँ से मतलब तो जो ओरिजिनल डायग्राम है उससे आप देख पा रहे हैं ये ट्वेंटी वन आवर स्टीज का डायग्राम है ठीक है आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा अब मैं इसकी दूसरी स्लाइड जो है ट्वेंटी वन आवर की स्टेज की ही दूसरी डायग्राम से हम बात करें पहले इसको हटा देता हूं ये जैसे ही उससे थोड़ा सा लेट चालू हुआ ट्वेंटी फोर आवर क्योंकि आपकी जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्वेंटी फोर आवर थर्टी थ्री आवर सेवेंटी टू आवर जिनको आपको स्लाइड से समझना है तो यहाँ पर इसके अंदर नंबर ऑफ़ सोमाइट्स जो हैं वो चार बहुत क्लियर कट समझ में आते हैं दीज आर सोमाइट्स ये जो है उसी से इसकी स्टेज का आइडेंटिफिकेशन होता है यहाँ इसके अंदर हेड फोल्ड न्यूरफोल्ड प्रो एमियन और एंटीरियर न्यूरोफोल ये बनने चालू हो जाते हैं तो जो इसकी बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन है जो हम बात कर रहे हैं वो इसकी इससे आइडेंटिफाई होती है ये एक फोटोग्राफ है जिसके अंदर फर्स्ट सोमाइट सबसे पहले ऊपर की तरफ बनेगा आप देख रहे हैं और फिर ये नीचे की तरफ सोमाइट्स बनते चले जाएंगे जो पीछे की तरफ वाला पोर्शन है वो नोटोकार्ट के लाएगा यहाँ पे कि जो होगा जो एक नोट की फॉर्म के अंदर होगा दैट इज़ हैंसंस नोट और एक स्ट्रीक जो बनेगी दैट इज़ प्रिमेटिव हिस्ट्री तो ये ट्वेंटी फोर आवर स्टेज का आज हम यहीं तक बात कर रहे हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे ही नेक्स्ट होगी क्लास उसके अंदर हम उससे आगे की लेटर स्टेजेस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे सो थैंक यू स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी सो थैंक्स